पछिल्लो समयले अवस्थाको थिले एवं जतले से देवगर फेरि जाउ थिले सुरेश ताकु डाके कहि थिले जेन सुरेश ओडिसा ठाकुरिनी जागा कर आमे आसुबो तेनु सुरेश दा ताको सहित देवगर न जाई से कटक आसिले जगतसिंहपुर आसिले एवं जगतसिंहपुर से हमरे सैन्य कर्मी माने को सहायता रे माने से जाजन और इच्छा कार्य आरंभ कले एवं सिटी कटक रे थिला बेले विशिष्ट नारीयत्री सरला देवीकर प्रेरणा रे ए जो अलकाश्रम रे उपरे आश्रम प्रतिष्ठा करबा पाई से सूचना पाइथिले एवं हमर सतमले हम जगतसिंहपुर रे जो तहसीलदार थिले सची वैद्यनाथ रथ एवं हमर गुंदुरी भाई जे पावन चरण महापात्र एवं आउ जने होछन्ती हमर तुम्बार जे जगन्नाथ महंती भाई ए मानक प्रचेष्टा रे जगन्नाथ महंती आदि जो आपण जो देखुछन्ती जो श्री मंदिर आदि मुंड टेकिछन्ती 40 डेसिबल जमी से उत्तर उपर थे स्प्रे तथा को एवं ए स्थानीय कर्मी माने को नहीं करी से एक आरंभ कर थिले सत्संग अभियान ताको विशेष भाव रे जे सहायता कर थिले से हमसन स्वर्गत पुरुषोत्तम चौधरी दा एवं हमर स्वर्गत बंसीलाल दास दा एवं हमर तुम्बार जगन्नाथ महंती दा एक तीनों तीन जन ताको ताको विशेष भाव रे सहायता कर थिले भाई माने को नहीं और दादा इटा अधिवेशन रे आरंभ थिले घर जोड़ी आचार्य भवन आपण देखुछन्ती सेठी आरंभ करथले ओसाई घर एवं सेठी 1971 मसीहा देवस्थान पूर्णिमा रे गोटे सत्संग सिद्धि करथिले एवं सेही सत्संग रे सिद्धांत दिया गेला जे एठी जगतसिंहपुर रे पार्लर हब एवं एठी गोटे आचार्य भवन तयार हब सिद्धांत दिया गेला एवं से कार्य आगे चलिला दादा ता भीतर पूजक जाइछन्ती पारादीप जाइछन्ती पारादीप पूजकर काम आगे जाइछि जगतसिंहपुर कार्य धीमे जाइछि जेतबेले पूजंग काम परिसमाप्त हेइछि पंडित सुरेश चंद्र देव शर्मा जाई दादा का पाखरे बलदान का पाखरे तते निवेदन कर सति ओडिसा आसीबा पाई एवं ताक कथा रक्षा करी जुगाचार्य श्री बलदा समय देथिले 1973 मसिया डिसेंबर मास 5 तारीख ठीक समय राशि पहुंची थी 1973 मसिया डिसेंबर 5 तारीख 11:15 मिनट रे पूजा करे पदार्पण करी थी 6 तारीख दिन पारादीप जाई थी 7 तारीख दिन जगतसिंहपुर को आसी थी पूजा करू से दिन अपराह्न रे आसी थी 3:20 मिनट रे सेठी पहुंची थी ताक सहित तांकर परिवार परिजन आसी थी एवं पार्षद बुंदा आसी थी जतबेले सेही औषध बेले ए जगतसिंहपुर रो जो आचार्य भवन अर्धनिर्मित अवस्था रे थाय पार्लर मध्ये अर्धनिर्मित अवस्था रे थाय बड़दा जुगाचार्य बड़दा सेठी बसिले संध्या प्रार्थना समय आसी जाऊ थाय पंडित सुरेश चंद्र देव शर्मा अकाल प्रचेष्टा करी मात्र 3 दिन दिली 4 दिन भीतर से इलेक्ट्रिफिकेशन करथिले लाइन आनी दिली सेठी बड़दाकर निर्देश रे हमर प्रफुल्ल कुमार दास दा से मते आसी खाद्य ठाकुर कर अनुलेखक से सुइच अंत करी प्रथमे ए संध्या प्रार्थना पूर्वरु ए विद्युत आलोक उपासित करथिले जगतसिंहपुर सत्संग बिहारी एवं तापरे प्रार्थना काम आरंभ हेतला संध्या विनती आचार्य देव शिशि बड़दा ताक परिवार परिजन पार्षद समस्त प्रार्थना करथिले एठारे एवं सेमाने सेठी हमर जो आसीथिले ताक सहित कार्तिक चंद्र सरकार प्रार्थना परे सूर्य ताक डाके कोठी कोन किमिति सब काम होबो बोली कि देखि बुझै देथिले एवं सेठी मध्ये बड़दा सूर्य ताक कहिथिले जे ए ठाकुर हुंकर जो मंदिर पाखरे गोटे मातृ मंदिर प्रतिष्ठा करबा पाए एवं तार सम्मुख भाग जो जगह टिको क्रय करबा पाए आज जो माने आज आपण माने बसिसथि एही ये होची सही जगह जे पंडित सुरेश चंद्र देव शर्मा से दिन कांदी कांदी सत्संग ब्याह रे जे सेटा माने अयो कांदी भिक्षा करथिले न माने जो अयो भिक्षा करथिले सेही मत 2 लाख टका सेही सत्संग रे भेजै छिला 2 लाख टका की टका एवं सेही जगह आज किना आइ छी जो जगह आज बसि गई ए सत्संग करूछे एवं ए होची 1973 मसिया कथा तापर जतबेले जगतसिंहपुर काम आगे सही गला 1976 मसिया रे पंडित सुरेश चंद्र देव सर्वे जाई कि जुगाचार्य बड़दांगा पाखे प्रार्थना करथिले जे जगतसिंहपुर आसीबा पाए एवं तांकु बसे कथा देथिले से दिन टी थिला 1976 मसिया जून मास 15 तारीख जून मास 15 तारीख को दिन धार्य करथिले एवं से 15 तारीख के मध्य से सपरिवार सब पार्षद इनी पदार्पण करथिले जुगाचार्य सिसि बड़दा को संख्या कर पहुचि बुलब नै एवं सिटी ताक सहित माने त अनेक कुछ भक्त माने सब आसीथिले एवं से दिन 15 तारीख के दिन से रहिथिले जून मास 16 तारीख जो तृतीय रज से दिन सेही श्री मंदिर जो आवरण प्रत्यक्ष प्रत्युष
श्री श्री विग्रह और जो मंदिर और जो आवरण उन्मोचन करके मंदिर प्रतिष्ठा करथिले उद्बोधन करथिले एवं श्री प्रार्थना हेथिला से मध्ये योगदान करथिले एवं सेठी पंडित सुरेश चंद्र देव शर्मा कर उठे स्मरणिका स्वस्ति वाणी तार नामकरण करथिले ए उठे से दिन विनायकता कहथिले विनायक महापात्र कहथिले ए उठे कर्मी सम्मेलन छोटिया कर्मी सम्मेलन मध्ये करथिले से दिन युवाचार्य शिष्य बड़दा थी एवं सेठी एभली भावे मंदिर जो 16 तारीख दिन उद्बोधन होइथिला युवाचार्य शिष्य बड़दा मध्ये 15 तारीख रात जापन करथिले 16 तारीख दिन मध्ये रात जापन करथिले 17 तारीख दिन सकाळ वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु।